हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका किचन जोन। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण सभी बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद है, जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए, अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है। और पूरे दिन ऑनलाइन होने के कारण बच्चे मेंटली फिजिकली बहुत बिजी रहते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, अपनी नींद को कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी, एनर्जी से भरपूर पावर पैक मसाला दूध की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान, पीने में बहुत स्वादिष्ट। आप पूरे दिन में बच्चों को केवल एक गिलास ही पिलाएंगे, बच्चों को बहुत अच्छा फील होगा, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने प्रियंका किचन जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। मसाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस से बर्तन चढ़ा देंगे, गैस को ऑन कर देंगे। इसमें डाल देंगे हम आधा कप पानी। दूध उबालने से पहले आप बर्तन में हल्का सा पानी डाल के बर्तन को हल्का सा गर्म कर लेते हैं, फिर दूध डाल के उबालते हैं। दूध कभी तले सिपकता नहीं, जलता नहीं, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, जरूर ट्राई करिएगा। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर हम डाल देंगे इसमें दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध का यूज़ किया है। आप दूध की क्वांटिटी अपने घर के मेंबर के हिसाब से जितना आपको जरूरत हो उतनी डाल सकते हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे फुल फैट मिल्क का यूज़ नहीं करना है। आप नॉर्मल काउ मिल्क, टोन मिल्क, ये दूध का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, घर में आपको दूध आता है उसको ले लीजिए, उसको उबालने के बाद में इसकी जो मलाई होती है उसको हटा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे, मेरे घर में दूध आता है, मैंने उसको ले लिया, उसको बॉयल कर लिया, उसकी मलाई को हटा दिया, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपको फिर से खरीदना नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से बॉयल करेंगे ताकि दूध में अच्छे से उबाल आ जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छे से उबाल आ चुकी है, हाई फ्लेम पर मैंने दूध को अच्छे से बॉयल किया था। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, यानी मध्यम आँच पर, और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल करेंगे ताकि दूध हल्का सा क्रीमी सा हो जाए। दूध को हमें बहुत नहीं पकाना है, बस इतना कि हल्का सा क्रीमी हो जाए। और जब तक दूध पक रहा है हम आपको दिखा देते हैं कि दूध में अच्छा हम क्या क्या ऐड करेंगे, जिससे हमारा दूध बहुत रिच बनेगा, बहुत ही क्रीमी बनेगा और बहुत ही एनर्जी से भरपूर रहेगा। उसके लिए हम लेंगे छोटा मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे 8 से 10 बादाम, 8 से 10 मैंने यहाँ पर काजू लिए ये भी डाल देंगे, और 8 से 10 ही मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं। 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ वाटरमेलन सीड यानी मगज के बीज लिया है। 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे पॉपी सीड यानी खसखस के दाने। बिल्कुल लास्ट में डाल देंगे बहुत छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। ये डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है डाल दीजिए, नहीं पसंद है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, मत डालिए। लेकिन इसका टेस्ट दूध में बहुत अच्छा आता है। मार्केट में जो प्रोटीन पाउडर मिलते हैं इसमें स्पेशली ये डला होता है, क्योंकि दूध में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको रोकते चलाते हुए बिल्कुल फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे, लगातार नहीं चलाना है। ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों को बहुत ही बारीक से पीस लिया है, बिल्कुल फाइन सा पाउडर बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल खिला खिला सा। ये देखिए, जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को पीसें आप उसको लगातार ना पीसें। अगर आपने इसको लगातार पीस लिया तो जितना भी ड्राई फ्रूट्स का फैट होता है वो लूज़ आउट हो जाएगा, और ये जो पाउडर खुला खुला सा खिला खिला सा बना है ना, वो बिल्कुल स्टिकी सा हो जाएगा। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। और ये हमारा मार्केट से बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा, बिना किसी केमिकल का हाई प्रोटीन पाउडर बन के तैयार हो चुका है, जिसे आप महीने भर भी स्टोर कर लेंगे तो ख़राब नहीं होगा, बस आपको इसको फ्रिज में स्टोर करना है। अब अगर आपको 1 गिलास भी दूध बनाना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा यूज़ किया है। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट से दूध उबल रहा था। इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, ऐसा नहीं कि घंटों लगेंगे, बस 10 से 15 मिनट के अंदर ही पूरा दूध बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सारा डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दूध का जो कलर है हल्का सा चेंज सा हो जाए और जितना ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर है वो दूध में आ जाए। ये बहुत ही बेस्ट है, आप बच्चों को जरूर पिलाइए, प्लेन दूध से अच्छा है ये पिलाइए। बच्चे आराम से दूध पीते ही हैं तो पी भी लेंगे, और फ्लेवर है तो अच्छे से पी लेंगे। तो बस आप इसे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक को आराम से पिला सकते हैं। बस इसको चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये पक जाए और इसका जो कलर हल्का सा चेंज हो जाए। यहाँ पे दूध को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, दूध हल्का हल्का सा पकना स्टार्ट हो चुका है ड्राई फ्रूट्स के साथ में, और यहाँ पे जो कलर है ड्राई फ्रूट्स का वो भी दूध में आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी सी महक भी आ रही है मेरे दूध में से। आप देख सकते हैं कि दूध में हल्का हल्का सा येलो कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो बस अब बहुत नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा और पका लेंगे, फिर जो बाकी की चीज़ें मैंने रोक के रखी है वो हम ऐड कर देंगे। तो बस आपको जब दूध का कलर इस तरह से दिखने लगे, इसमें मिठास के हिसाब से चीनी, तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ली है, इतनी बिल्कुल परफेक्ट होती है। चीनी डालने के बाद में आप चाहें तो इसमें केसर का दूध भी डाल सकते हैं, ताकि हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए और टेस्ट भी और अच्छा हो जाए। ये टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें या आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में हम डाल देंगे इसमें थोड़े से क्रंच के लिए चिरौंजी के दाने, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया है, इससे बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा, तो मैंने बिल्कुल लास्ट में डाला है। इसको डालने के बाद में हल्का सा चला देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए भी और पका लेंगे।
अगर आपको इसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। तो मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगी ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो तो बना रहे। तो इसको हल्का सा पका लेते हैं, इसके बाद डाल देंगे। तो यहाँ बिल्कुल लास्ट में मैं डाल दूँगी इसमें 3 से 4 इलायची, इसको मैं दरदरा पीस लिया था, ये डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा और पका लेंगे आधे मिनट के लिए, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और इस दूध को मैंने यहाँ पे 1 मिनट और पका लिया है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, बहुत ही कम समय लगता है इसको पकने में और बहुत ही टेस्टी सा हाई एनर्जी ड्रिंक हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इस दूध को आप बच्चों को गर्म गर्म भी सर्व कर सकते हैं, फ्रिज में रख के ठंडा करके सर्व कर सकते हैं, जैसे बच्चों को अच्छा लगे बड़ों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, टेस्टी है, हेल्दी है, तो जैसे मन चाहे उनको सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैं गर्म गर्म सर्व करूँगी क्योंकि गर्म गर्म पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हाई प्रोटीन एनर्जी से भरपूर मसाला दूध की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक तो करिएगा करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में वीडियो को हर जगह शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को इस तरह का टेस्टी टेस्टी हेल्दी ड्रिंक मिल सके पीने के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।